हाय गाइस, मैं संजय रोकड़े। हमारा मुंबई और सेंट्रल इंडिया बेस्ड जो एक म्यूजिक लेबल है, वो गज़ल के चाहने वालों के लिए एक बहुत ही उम्दा गज़ल लेके आ रहा है और हमारे ऑफिशियल प्लेटफॉर्म बॉलीवुड म्यूजिक टूर पे ये बहुत जल्दी जारी होने वाला है और इसके शब्द जो है दिल की गहराई को छूते हुए आपको एक लंबे समय के बाद कुछ ऐसा एक गज़ल का आवाज कराएगा जो पिछले अतीत में जो आप सुनते रहे हैं। तो इस गज़ल में जो इस वीडियो में जो एक्ट किया है, हमारे साथ बैठे हैं विक्की आदित्य और संध्या राजपूत। तो संध्या राजपूत और विक्की आदित्य ने इस गज़ल में अपना जिस्ट लगा दिया है, तो एक बार ज़रूर इस गज़ल को सुनिए और देखिए। तो विक्की आदित्य जी, आपका कैसा क्या परफॉर्म रहा उसमें? परफॉर्मेंस तो मतलब एकदम से मुझे एक ऐसा रोल मिला जो कि मेरे लिए निभाना थोड़ा सा मुश्किल तो नहीं बोलेंगे, लेकिन नया था। अभी तक जो मैंने निभाया वो, हाँ मतलब जो मेरा पहला वीडियो आया था उसमें जब मेरा नेगेटिव रोल था, इसमें नेगेटिव तो नहीं बोलेंगे लेकिन हाँ थोड़ा सा वो है उस तरह का। तो बाकी तो एक्सपीरियंस नया ही था और शूटिंग में बहुत मज़ा आया क्योंकि हम लोगों ने जो शूट किया वो एक गाँव में शूट किया और वहाँ का भी एक्सपीरियंस थोड़ा सा कुछ अच्छा था, कुछ हमारे लिए नया था, बुरा नहीं बोलेंगे उसको। बस बाकी संध्या बताए कि तो हमारा जो फर्स्ट स्लॉट था वो गांव में शूट किया था पहाड़ पर। इतनी ज़्यादा गर्मी थी, धूप थी, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग शूट था तो हमें मज़ा आ रहा था शूट करने में। बाकी इतना ज़्यादा क्राउड हो गया था, गांव वाले लोग आ गए थे, अच्छा भी लग रहा था कि इतने सारे लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं हमारा वीडियो देखने। पूरे गाँव में तो सारे लोग इकट्ठे हो गए थे और मतलब हम लोग का यूट्यूब आईडी पूछा उन्होंने, फिर वहाँ पर गए और ना उस यूट्यूब आईडी को सर्च किया, हमारे वीडियोस देखे, फिर वापस वो हमारे पास आए बोल के, हाँ देखो सर ये तो आप ही। तो वहाँ थोड़ा सा अच्छा भी लग रहा था और ऐसा लग रहा था कि यार ठीक है, हम लोग बाद में उनसे बात करेंगे, पहले बहुत गर्मी हो रही है, हम अपना काम फिनिश कर लें वरना और गर्मी होती जाएगी। और बहुत मतलब गंदी कंडीशन हो गई थी वहाँ पर शूट करते करते, और लेकिन शूट अच्छे से हो गया, सारे जितने भी हमें फोटेज चाहिए था वो हमें मिल गया और एक्सपीरियंस अच्छा हुआ। अच्छा सुनो, मुझे एक बात बतानी है, आप मेरी नोक चोक देखना मत भूलना, वो बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, ज़रूर देखना। अभी जब ये गाना सुनेंगे आपको बहुत अच्छा लगने वाला है, कुछ नया है, इसके शब्द बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल दिल को छू लेते हैं सब राहें, गाना है ये, आप ज़रूर सुनिए। वीडियोस बहुत अच्छे से शूट हुआ है, मैंने खुद देखा है सामने शूटिंग, बहुत अच्छी लगी मुझे, तो आप लोगों को भी बहुत अच्छी लगेगी। तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और शूटिंग में बहुत मज़ा आया। लेकिन इस बार एक छोटा ट्विस्ट, ये जो वीडियो है वो अब एक नए चैनल पे आने वाला है जो उसकी सर का चैनल है, और सर आप अपने चैनल के बारे में। बॉलीवुड म्यूजिक टुडे ने अभी तक 50 से 60 गाने अपने बॉलीवुड म्यूजिक टुडे भक्ति और बॉलीवुड म्यूजिक टुडे के मेन चैनल पर जारी किए हैं और कोशिश की है कि हम अपने श्रोता और दर्शक के लिए नए वर्जन्स में कुछ नया लेके आएँ। तो ये गज़ल है, गज़ल के बोल हैं, राय जितनी भी थी मुड़ मुड़ के देखी, सब तो वही का वही दिखा, बस एक तो ही ना दिखा। तो सुनिए देखिए, अच्छा लगेगा हमें। नॉट ओनली ऑन यूट्यूब, ऑल्सो जियो सावन पर आप ये गाना सुन सकते हैं, रेसो पर सुन सकते हैं, कई सारे म्यूजिक प्लेटफॉर्म से आप। तरीके से सर मैंने सुना है, आप बताए थे कि काफ़ी सारे मतलब ऐप हैं उसमें हम सुन सकते हैं तकरीबन। इस गाने को आप देख सकते हो आने वाले समय में बिफोर यू पे भी देख सकते हो, हमारा टाइप चल रहा है उसे होने के, ये जारी होगा और 40 से 45 ऑडियो प्लेटफॉर्म पे ये गाना जारी होगा। तो फिर जिसमें कि जो पॉपुलर हैं गाना जियो सावन और स्पोटी रेशो है ना, तो यहाँ तो मिल ही जाएगा। तो सॉन्ग अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे भी काफ़ी सारे एल्बम्स आने वाली है सर जी। हम प्लान अभी हमारा बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं और बहुत अच्छे अच्छे खूबसूरत प्रोजेक्ट हैं, इंशाल्लाह बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। जो हमारी मेहनत है वो हम लगे हुए सब, हमारी पूरी टीम जो है आपको बहुत अच्छा देने की कोशिश करेगी अगले प्रोजेक्ट में भी। तो प्लीज़ इसको देखिए और इसको आप लोगों तक पहुँचाइए। इसमें कुछ लोगों की और भी मेहनत है सर वो है हमारे कैमरामैन की, जो कि विक्रम हैं, गगन हैं, और एक्चुअली विक्रम ने ही वहाँ पर शूट किया हुआ है गांव में, तो मतलब जितनी कंडीशन हमारी ख़राब होती थी उतनी उसकी भी ख़राब होती थी, तो वो कैमरे के पीछे रहता है हमेशा, तो उसके लिए भी हम सबकी तरफ से थैंक्स। और मैं भी सबको साधुवाद करना चाहूँगा कि इस टीम ने जितना डिवोशन, जितना समर्पण दिया, मुझे देख के इतना मज़ा आया
शायद मेरा पहली बार का ये एक्सपीरियंस है कि इतने मतलब सीमित संसाधन कह लो या इतने कम समय में कह लो बहुत ही अच्छी खूबसूरत प्रस्तुति उभर के आएगी आपके सामने, तो देखिएगा ज़रूर प्लीज़।